जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लैब। तो दोस्तों, बाबर आजम एशिया कप 2022 के लिए यूएई पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, यूएई पहुंचते ही टीम इंडिया और हार्दिक पांड्या को लेकर बाबर आजम ने दिया है बेहद ही बड़ा बयान। यहां दोस्तों क्या है पूरी खबर, इसी के बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें एशिया कप 2022 के लिए, पूरी पाकिस्तान की टीम जो कि यूएई पहुंच चुकी है। या दोस्तों बता दें कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच 28 अगस्त को होने वाला है महामुकाबला। या दोस्तों यह मुकाबला जो कि भारतीय समय अनुसार 7:30 पर शाम को शुरू होगा। या दोस्तों यह मुकाबला जो कि दुबई में खेला जाएगा। या दोस्तों बात करें आप कहाँ पर यह मुकाबला देख सकते हैं, तो दोस्तों बात करें टीवी पर तो दोस्तों आप स्टार स्पोर्ट के चैनल पर देख सकते हैं। वहीं दोस्तों मोबाइल का बात करें तो दोस्तों आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं, इसके अलावा फ्री डिश डीडी स्पोर्ट पर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों बात करें अब बाबर आजम जो कि यूएई पहुंच चुके हैं और बाबर आजम ने दिया है बेहद ही बड़ा बयान टीम इंडिया और हार्दिक पांड्या को लेकर। तो दोस्तों बात करें बाबर आजम ने कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच का मुकाबला हाई प्रेशर मुकाबला होता है और जो भी प्रेशर कंट्रोल में करता है वह टीम जीतती है और हम उम्मीद करते हैं कि प्रेशर कंट्रोल करे इस महामुकाबले में। इसके अलावा हार्दिक पांड्या के लिए कहा कि हार्दिक पांड्या एक बेहतरीन ऑलराउंडर है और इन्हें रोक पाना हमारे लिए एक बेहद ही बड़ी चुनौती होगा। तो दोस्तों यह बड़ा बयान था बाबर आजम का एशिया कप से पहले। दोस्तों आपको क्या लगता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच का मुकाबला कौन जीतेगा, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर जरूर बताएं। वहीं दोस्तों अगर आप टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो दोस्तों यह वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।